हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम यूपी टीजीटी का सिलेबस देखेंगे, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का, जो वैकेंसी अभी लेटेस्ट आई है 2020 में, और ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेने से पहले आपको एक परफेक्ट और क्लियर सिलेबस पता होना चाहिए फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट विथ। सो आइए देखते हैं कि इसका करेक्ट सिलेबस कहाँ क्या है और कैसे स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस है आपका वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पेपर आपका एक ही होता है, दो नहीं होते हैं, बट ये दो अलग अलग पार्ट्स में है। एक सेक्शन है लैंग्वेज का और दूसरा सेक्शन है लिटरेचर का। पहले हम लिटरेचर का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद हम लैंग्वेज का सिलेबस देखेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सारे वीडियोस आपको सेगमेंट वाइज, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे इस चैनल पे। अब हम बात करते हैं राइटर्स की, कौन कौन से ऑथर हैं, उनके वर्क हैं, ये आपको देखना ज़रूरी है। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी देखना ज़रूरी है, उनके कौन कौन से लिटरेरी करियर थे, कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस थे उनके लाइफ के, बिकॉज यहाँ से 2 से 1 क्वेश्चन ज़रूर आता है। सेम अब यहाँ पे हम जॉन मिल्टन की स्टडी करेंगे। जॉन मिल्टन का भी आपको बायोग्राफी पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ है बाद में, उनकी भी आपको बायोग्राफी पता होनी चाहिए, और जॉन गैल्सवर्दी है जिनकी बायोग्राफी आपको पता होनी चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, आई विल टेल यू कि बायोग्राफी का मतलब सिर्फ उनके कुछ इंपॉर्टेंट डेट से ही नहीं है कि उनके फादर, फैमिली के बारे में पता चल गया, उनका लिटरेरी करियर भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए विद ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑल टुगेदर और प्लेस। अब इन सबके वर्क अगर हम मिला के देखें तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसीलिए जितनी भी बायोग्राफीज़ हैं उनको मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में, टॉपिक्स में डिवाइड किया है, पार्ट्स में। वो सारे पार्ट्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर देखें। दूसरा है, इनके लिटरेरी करियर को आप अच्छे से स्टडी करें। तीसरा, इनके जितने भी प्लेज हैं उनको आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, और प्ले को स्टडी करने का ईजिएस्ट वे में क्या मेथड है और कैसे आप उसको कम्प्लीट कर सकते हैं, ये वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो मेनली यहाँ पर आपको लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच और ये जो है इन पे आपको फोकस करना है। 4 राइटर हैं, मेनली इनकी बायोग्राफीज आपको पता होनी चाहिए। बट नाउ क्वेश्चन इज, अदर राइटर्स से भी क्वेश्चन आते हैं क्या, इंडियन राइटर्स से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? तो मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आते हैं, बिकॉज सम अदर राइटर्स आर देयर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो ये तो हमने बात की लिटरेचर की, अब आपको किस तरीके से किस किस पॉइंट पे फोकस करना है, ये सारे वीडियोस आपको टॉपिक वाइज यहाँ मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं ग्रामर की। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में, आपको दोनों सब्जेक्ट्स पे कमांड होना ज़रूरी है, और एक सब्जेक्ट पे तो आपको पूरा 100%, इफ आई से मोर देन 100% आपकी कमांड होना ज़रूरी है, तभी आप बैलेंस कर सकते हैं, और आपको दोनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका लिटरेचर पार्ट बहुत सॉलिड है, बहुत स्ट्रांग है, तो ग्रामर पार्ट को आप छोड़ सकते हैं, या फिर उसको स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बिकॉज ये दोनों पे लागू होता है। और अगर लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं है कि आप लिटरेचर को बहुत स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, बिकॉज दोनों में से किसका रेशो ज़्यादा होगा यू नेवर नो। लास्ट टाइम का जो पेपर आया था उसका पैटर्न क्या था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, आई विल डिस्कस विद यू ऑल इन अनदर वीडियो। सबसे पहले टॉपिक अगर हम ग्रामर में लेते हैं तो वो टॉपिक है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज आता है, कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग देखता है कि लैंग्वेज को लेके जो भी लिखा हुआ है उससे आप कितना समझ पाते हो, तो उसका जो मोटिव रहता है कॉम्प्रिहेंशन देने का वो यही रहता है। तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा, अभी डाला नहीं है, बट आगे आपको ये वीडियोज मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक से आप लेके चलिए, इसलिए ज़रूरी है बिकॉज लास्ट टाइम जो पेपर पैटर्न आया था ग्रामर का, वो फिलर्स और दूसरे सेंटेंसेस पे बेस ना होके ज़्यादा उसमें रूल्स पूछे गए थे। तो अब खाली आप ऑप्शन देख के सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको रूल्स भी बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि आपने अगर यहाँ पे फॉर लगाया है तो व्हाट इज़ द रीज़न टू पुट फॉर इन दिस सेगमेंट।
इसलिए आपको ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा। और एरर डिटेक्शन वाला जो सेगमेंट होता है, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से प्रिपेयर है बेसिक से, तभी आप उसको कर पाएंगे। नाउ वी कम टू प्रीपोजिशन। आई नो प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। प्रीपोजिशन किसी भी वर्ड लिमिट में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट ऐसा भी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए प्रीपोजिशन, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं, तो उसका वीडियो यहाँ है। अब इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस मीन्स विच आर ऑफन आस्क्ड इन एग्जाम, जो बार बार आती रहती हैं या फिर केवीएस वगैरह में भी आई हैं, तो उधर से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस और कौन कौन सी होनी चाहिए, कुछ फिर प्रीपोजिशन की जो लिस्ट है वो सारी आपको मिल जाएगी वीडियो में। सो डोंट वरी अबाउट दैट, उसको आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पे चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्रैक्टिस पेपर जितने यूट्यूब पे हैं वो भी आप कर सकते हैं। नाउ वी कम टू टेंस। टेंस आपको प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ट्रांसफॉर्मेशंस सिंटेक्स स्पेलिंग। स्पेलिंग के लिए ट्रिक वाइज आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और उसमें से आप देख सकते हैं स्पेलिंग का वीडियो। बाकी जो इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स होती हैं वो यहाँ पे वीडियो में भी डिस्कस कर ली जाएगी इस चैनल पे। प्रोनंसिएशन भी आपको ठीक से आना चाहिए, तभी आप स्पेलिंग को अच्छे से कवर करेंगे। प्रोनंसिएशन सही है तो स्पेलिंग सही हो सकती है। अब हम बात करते हैं नरेशन की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर है वोकैबलरी। वोकैबलरी फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जो पेपर आया था वो सारे वर्ड्स भी देखे गए थे, मींस ऐसे नहीं थे जो बहुत अलग हों, तो उस हिसाब से आप इस चैनल पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, तो इन सारे लिस्ट को आप अलग से बनाएं। बुक्स का वीडियो आपको मिल चुका है इसी चैनल के ऊपर। लिटरेचर के बारे में तो इसमें बहुत सारे वीडियो हैं। अब ग्रामर में आपको किस स्ट्रैटेजी से वर्क करना चाहिए और कौन सी बुक से सॉल्व करना चाहिए, विच कुड बी द बेस्ट बुक्स फॉर ग्रामर टू प्रिपेयर फॉर योर TGT एग्जाम फॉर इंग्लिश, वो भी वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। रेनिन मार्टिन तो आपके पास में होनी ही चाहिए। बाकी ये तो सिलेबस का वीडियो है, इसलिए ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी इसमें। बाकी इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से आपको बेसिक से लेके चलना है और टॉप मोस्ट लेवल पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम क्या फर्स्ट टाइम में हो सकता है इंग्लिश TGT, बहुत टफ है, इसका सिलेबस समझ में नहीं आता, बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ कि यार एक साथ सारे टॉपिक को लेकर मत बैठो, उनको डिवाइड करिए। एक टॉपिक को अगर 10 सेगमेंट में भी आपको डिवाइड करना पड़े तो डिवाइड करिए, बट कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक कंप्लीटली। उसको पढ़ के बस किनारे नहीं रखना है, एक भी टॉपिक पढ़ते हो तो इट शुड बी कंप्लीटेड। बाकी यहाँ पे हर टॉपिक पे आपको एक वीडियो ऐसा मिल जाएगा इस चैनल पे, वो चाहे लिटरेचर हो चाहे लैंग्वेज हो, कि आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पे चेक करें। तो फ्रेंड्स उस वीडियो को बिल्कुल आप मिस ना करें। जिस भी वीडियो में आपको ये लिखा मिले कि चेक योर प्रिपरेशन, चेक योर सेल्फ ईयर, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। उससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा दैट एट विच लेवल यू स्टैंड। तो उस प्रिपरेशन को आप जज कर सकते हो, खुद को आप जज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये तो था आपका सिलेबस, जो इनमें से तो आना ही आना है, ये सिलेबस कहीं नहीं जाना है। बाकी तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही एक ऑथेंटिक न्यूज़ मिल पाएगी इफ़ देयर विल बी एनी ऑफ द चेंजेस। अगर चेंजेस होते हैं तो इस चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपसे छुपी रहेगी, आपकी नॉलेज में ना डाली जाए। अगर ऐसा होता है कोई चेंजेस, GS अगर इंक्लूड होती है तो आई थिंक ऑलमोस्ट 30 मार्क्स की होगी, बिकॉज LT ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के सिमिलर पैटर्न पर ये भी एग्ज़ाम होना है। बिकॉज इंग्लिश TGT में अब कोई भी इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब आयोग किस तरीके से इसकी प्लानिंग करते हैं कि इसको किस तरीके से पेपर को फॉर्म करें, या तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, बहुत टफ करना पड़ेगा उनको, और या फिर वो GS के इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे, तभी ये पेपर बैलेंस हो पाएगा। सो लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस, विल कम टू सी। अब नोटिफिकेशन आने पे ये श्योर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, हिट योर टारगेट, वर्क हार्ड बट इन अ स्मार्ट वे एंड यू विल अचीव योर टारगेट। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड रेगुलर नोटिफिकेशंस, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ कमेंट, इट गिव्स एनकरेजमेंट टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक्स ऑल सब्सक्राइबर्स।